हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं। हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में हमने सेल पढ़े थे। सेल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। उसके बाद हमने डेनियल सेल की बनावट और कार्यप्रणाली पढ़ी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था सेल आरेख का निरूपण, किस प्रकार से सेल रिएक्शन को रेखा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना गिब्स ऊर्जा व सेल विभव। तो क्या होता है गिब्स ऊर्जा व सेल विभव? एक उत्क्रमणीय गैल्विक सेल में यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है तो उसमें क्या होता है अधिकतम विद्युत कार्य संपन्न होता है। यदि निश्चित ताप व दाब पर विद्युत जो कार्य होता है वो सेल में प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा व सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो सेल विभव होता है वो किस उसमें जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बराबर एन एफ ई तो एन क्या होता है यहाँ पे आवेश, ई क्या होता है फेराइडे, और ई क्या होता है गुणनफल, ई क्या होता है विद्युत वाहक बल। तो इन तीनों का गुणनफल होता है जो गिब्स कार्य या सेल विभव के बराबर होता है। यदि हम इस कार्य को गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या लिखते हैं? डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई या डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई या माइनस डेल जी बराबर एन एफ ई। यदि इस समीकरण को हम मानक परिस्थितियों के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो गिब्स ऊर्जा मुक्त ऊर्जा क्या ली जाती है? मानक परिस्थितियों में ली जाती है। और जो विद्युत वाहक बल होता है वो भी क्या आ जाता है? मानक परिस्थितियों में आ जाता है। तो डेल जी होता है वो किसके बराबर हो जाता है? डेल जी जो नॉट होता है, डेल जी नॉट मानक परिस्थितियों में किसके बराबर हो जाता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अर्थात जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसे भी मानक परिस्थितियों में ही लिया जाता है। तो इस प्रकार जो गिब्स ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई या मानक परिस्थितियों में डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये क्या होती है अपने गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा या वह सेल विभव। तो एक उत्क्रमणीय गैल्विक सेल में यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो उस सेल के द्वारा जो अधिकतम कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? उसका जो गुणनफल विद्युत वाहक बल और जो आवेश की मात्रा होती है उसका क्या होता है? गुणनफल होता है। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है? माइनस एन एफ ई। और गिब्स मुक्त मानक परिस्थितियों में गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये होती है अपनी गिब्स ऊर्जा व सेल विभव। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेंसर्ट समीकरण। नेक्स्ट क्या आता है? नेंसर्ट समीकरण। यह समीकरण किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल व सेल में भाग लेने वाले पदार्थों की सक्रियता या सांद्रता के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो नेंसर्ट समीकरण किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल व उस सेल में भाग लेने वाले पदार्थों की सक्रियता व सांद्रता के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। माना कि कोई सेल रिएक्शन क्या है? निम्न प्रकार है। उत्क्रमीय सेल रिएक्शन निम्न प्रकार है, जिसे कि हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या है अपनी? Na+N2V, अर्थात A के कितने मोल? N1। V के कितने मोल? N2 मोल।
रिवर्सिबल रिएक्शन M1C+M2B। तो ये तो क्या आता है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और ये क्या आता है प्रोडक्ट होता है, और अभिक्रिया कैसी अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है। यदि हम इसकी सांद्रता को सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो Q को क्या लिख सकते हैं A, तो A बराबर क्या होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अनुसार प्रोडक्ट की सांद्रता पर रिएक्टेंट की सांद्रता। तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है AC की पावर M1 डॉट AD की पावर M2 अपॉन A की पावर M1 प्लस सॉरी डॉट AV की पावर M2। तो ये क्या होती है सक्रियता, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, जिसे कि हम क्या कह देते हैं समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी बराबर क्या होती है NFE-NFE, जिसे क्या दे देते हैं समीकरण नंबर 2 बराबर क्या होता है -NFE। इसी प्रकार जो मानक परिस्थितियों में गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है -NFE0 सेल के बराबर होती है, जिसे समीकरण नंबर 3 देते थे। हम जानते हैं कि किसी भी जो रिएक्शन होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण क्या होता है Δg बराबर Δg0 Δg0 प्लस RT ln Q, इसे क्या कहते हैं समीकरण 4। तो Δg बराबर क्या होता है Δg0 प्लस RT ln Q समीकरण 4। समीकरण 4 में हम जो समीकरण 1, 2 और 3 से वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाता है -NFE बराबर -NFE0 सेल प्लस RT ln Q। Q का मान क्या है अपना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। जब इस अभिक्रिया को हम आगे सॉल्व करते हैं इस समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है E बराबर E0 सेल माइनस RT ln अपॉन NF RT ln अपॉन NF अपॉन प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो क्या है E बराबर E0 सेल माइनस RT ln अपॉन NF प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। जब हम ln को log 10 की वैल्यू के रूप में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है ln को log के रूप में चेंज करते हैं तो किससे गुना हो जाता है वो 2.303 से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2.303 RT अपॉन NF RT अपॉन NF AC M1 AD की M2 अपॉन तो क्या जाता है E बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता है।
यदि हम यदि ये क्या होता है नैसर्ड समीकरण होता है, जो ये समीकरण प्राप्त होता है वो कौन सा समीकरण होता है अपना नैसर्ड समीकरण होता है। यदि इस समीकरण में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो जाए बराबर हो जाती है, अर्थात AC बराबर AD और A बराबर AB हो जाती है, अर्थात इन सबकी सांद्रता कैसी हो जाती है बराबर हो जाती है, तो E किसके बराबर हो जाता है, E0 सेल के बराबर हो जाता है, अर्थात जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह मानक परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो यही क्या होता है अपना नैसर्ड समीकरण। तो नैसर्ड समीकरण में क्या ले करते हैं, पहले उत्क्रमणीय सेल रिएक्शन लिखते हैं। उत्क्रमणीय सेल रिएक्शन, ये क्या उत्क्रमणीय सेल रिएक्शन है, ये क्या रिएक्टेंट की सांद्रता है, ये क्या प्रोडक्ट की सांद्रता है। तो यदि सांद्रता को सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। हम जानते हैं कि जो डेल जी होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, वो किसके बराबर होती है माइनस एन एफ ई के बराबर होती है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा किसके बराबर होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होती है। तो रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक अभिक्रिया में गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण होता है वो क्या होता है, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इसमें क्या करते हैं समीकरण चार में समीकरण एक और दो और तीन से क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो अपना आता है माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट की सांद्रता अपन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो इस समीकरण को हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है E बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। यही समीकरण क्या होता है नैसर्ड समीकरण होता है। यदि हम इन सभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं तो E का मान किसके बराबर हो जाता है E0 के बराबर, अर्थात जो विद्युत वाहक बल होता है वह मानक विद्युत वाहक बल के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यही क्या होता है नैसर्ड समीकरण। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। इलेक्ट्रॉनों के प्रकार तो हम जानते हैं कि किसी भी सेल होता है जो कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है निर्मित होता है। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निम्न प्रकार से होते हैं। सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होता है धन इलेक्ट्रॉन का, एक कैथोड इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है और एक किसका कार्य करता है एनोड इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है। तो इसकी प्रकृति के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है गैस आयन इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है फर्स्ट गैस आयन इलेक्ट्रॉन, सेकंड होता है अपना धातु आयन इलेक्ट्रॉन, थर्ड होता है धातु एविले लवण इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो होता है धातु गैस आयन इलेक्ट्रॉन, धातु आयन इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है धातु एविले लवण इलेक्ट्रॉन। तो गैस आयन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि क्या होता है निष्क्रिय होता है, जो कि कैसा होता है निष्क्रिय होता है या फिर
उदासीन धातु के क्या होते हैं, बने होते हैं, जैसे ग्रेफाइट या पीटी का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है। जब हम इसे किसी भी विलयशील लवण के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डुबोते हैं तो वह किसी भी प्रकार की क्या नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। उसके आयनों के संपर्क में तो आता है लेकिन लैच और उसकी अभिक्रिया में किसी भी प्रकार से क्या नहीं करती, भाग नहीं लेती। तो ये क्या होते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, कौन सा होता है, गैस आयन इलेक्ट्रोड के प्रकार कौन से होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, जब हम किसी भी अक्रिय या उदासीन धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, अक्रिय उदासीन धातु के इलेक्ट्रोड जैसे पीटी का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को किसी भी जो विलयशील लवण होता है, सॉल्यूशन होता है, उसमें डुबोते हैं तो ये किसी भी प्रकार की क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, जो कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जो क्लोरीन इलेक्ट्रोड होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। उसके बाद आता है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। तो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जब हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, जैसे ZN का कोई इलेक्ट्रोड है उसे हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो जो धातु से इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन धातु के जो सॉल्यूशन होता है उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें जो सरल अभिक्रिया होती है उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात पहले धातु की धात्विक अवस्था, उसके बाद उस धातु की आयनिक अवस्था को लिखा जाता है। जैसे ZN का कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसे हम ZN सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो उस ZN में से क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ZN+2 धात्विक अवस्था का क्या होता है, आयनिक अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु धातु आयन इलेक्ट्रॉन। तीसरा होता है धातु एविलेन लवण इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम किसी धातु को एविले लवण इलेक्ट्रोड में डुबोते हैं तो क्या होता है, वो धातु की छड़ होती है, वह ठोस एविले लवण से किसी भी प्रकार की क्या नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु एविले लवण इलेक्ट्रोड। जो कैलामल इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन से प्रकार का होता है, धातु एविले लवण इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जब हम इस धातु का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे ठोस एविले लवण में डुबोते हैं तो वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड बनता है वो क्या कहलाता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड कहलाता है। जो इलेक्ट्रोड होता है वो तो किसकी तरह कार्य करता है, उस इलेक्ट्रोड को हम एविले लवण सॉल्यूशन के ऋणात्मक भाग द्वारा क्या हो जाता है, वो रिएक्ट हो जाता है, अर्थात उसके रिनाइन वाले विलयन में धातु में डुबिर होती है। इस जो इलेक्ट्रोड का जो टाइप होते हैं वो क्या होता है, कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होते हैं, हमें इलेक्ट्रोडों के प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है सिंगल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो क्या होता है सिंगल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड,
इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सिंगल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी चर्चा की हम, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी चर्चा हम किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।